ए वाट्सअप गाइस थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू द चैनल मेरा नाम है अग्नीत एंड आई वेलकम यू टू अ वेरी न्यू व्लॉग टुडे क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू ब्रून पायलट प्रोग्राम के बारे में लास्ट मंथ हम लोगों ने क्यू एन ए सेशन किया था हम लाइव आए थे यूट्यूब के ऊपर तब हमारे कुछ एक दो डियर सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि न्यू ब्रंसविक पायलट प्रोग्राम के बारे में कुछ डिटेल दो कुछ इन्फॉर्मेशन दो उस समय मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा था बट आई थॉट क्यों ना मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँ एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाऊँ आफ्टर डूइंग माय रिसर्च तो हम भाई न्यू ब्रंसविक में रहते हैं थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होता है हर प्रोग्राम के बारे में स्ट्रीम के बारे में बट अगेन लाइक टू प्रजेंट इन फ्रंट ऑफ यूट्यूब और आप लोगों के सामने थोड़ी सी रिसर्च जरूर लगती है इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है सो so, एक डिस्कलेमर दे देता हूँ मैं पहले वीडियो शुरू करने से पहले कि भाई आई एम नॉट एनी कंसल्टेंट और एजेंट या एजुकेशन से रिलेटेड मेरा कोई काम नहीं है ना ही मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर हूँ जो भी मैं ये वीडियो प्रजेंट कर रहा हूँ खुद की रिसर्च से कर रहा हूँ जैसे कि मैंने अभी बोला एंड सो दैट आई कैन हेल्प यू और ये वीडियो किसी के लिए भी जो कि आगे आने वाले टाइम में कनाडा को ऐसा फ्यूचर देखता है खासकर न्यू ब्रस्विक को सो so, इस वीडियो के माध्यम से उसकी हेल्प हो सके एंड वो आगे यू you नो know, जानकारी ले सके बाकी आप लोगों से गुजारिश करूँगा जो लोग नए हैं इस चैनल पे और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ यार आ, सब्सक्राइब कर देना दैट डेफिनेटली हेल्प्स अस टू ग्रो एंड मोटिवेशन भी मिलता है बाकी यार आप सब लोगों को पता है लाइक शेयर कमेंट कमेंट जरूर करो यार फीडबैक मिलता है एंड प्लीज़ टेल अस कि यार कौन सी और आगे वीडियो के बारे में आप और जानकारी लेना चाहते हैं बाकी मैं यार ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता और सीधा मुद्दे पे आते हैं सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट द वीडियो पायलट प्रोग्राम बेसिकली एक पी आर पाथवे है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि न्यू में आके पढ़ना चाह रहे हैं इफ दे स्टडी फ्रॉम फोर डेजिग्नेटेड प्राइवेट इन न्यू न्यूसविक एंड दे स्टडी इन नाइनटीन टारगेटेड ऑक्यूपेशन यानी कि उन्नीस स्ट्रीम्स हैं प्रोग्राम्स हैं उनमें से पढ़ाई करते हैं सो दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम इन एन बी यानी कि वो न्यू ब्रंसविक की प्रोविंशियल पी अप्लाई कर सकते हैं बिगनिंग फर्स्ट ऑफ अप्रैल ट्वेंटी तो जो लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं एक अप्रैल 2022 के बाद या ग्रेजुएट होंगे आगे आने वाले टाइम में इन कॉलेजेस में से पढ़ने के बाद स्पेसिफिकली 19 गिवन uh, स्ट्रीम्स में से सो दे कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर पी ऑफ न्यू ब्रंसविक बाकी हम इसके बारे में और आगे डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन से चार कॉलेजेस हैं और कौन कौन सी 19 स्ट्रीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं थोड़ा सा मैंने कहा पहले बैकग्राउंड दे दूं इस प्रोग्राम के बारे में हाउ दिस पायलट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड और इनिशिएटेड तो लास्ट ईयर जब फेडरल गवर्नमेंट के कनाडा में इलेक्शन हुए थे तो न्यू ब्रंसवे की कुछ बिजनेस ग्रुप्स थे एंड ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बीच में मीटिंग हुई थी अलायंस हुआ था टू फिगर आउट द लिस्ट ऑफ प्रायरिटीज एंड टू प्रजेंट द एजेंडा टू द फेडरल गवर्नमेंट न्यू बुनस्विक की तरफ से सो इन ऑर्गेनाइजेशन के मैं नाम बता देता हूँ न्यू बुनस्विक बिजनेस काउंसिल बोर्ड ऑफ ट्रेड द सेंट जॉन रीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द कैनेडियन मैनुफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स तो कई सारे मुद्दे डिस्कस हुए थे और कई सारी प्रायोरिटीज रेज की गई थी फेडरल गवर्नमेंट को तो उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रायोरिटीज थी कुछ इम्पॉर्टेंट जो एजेंडा था जो कि गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट को आगे पेश किया गया था और कहा गया था कि इन सब चीज़ों के बारे में हेल्प चाहिए न्यू बंसिकी गवर्नमेंट को तो उनमें से दो मुद्दे बड़े इम्पोर्टेंट थे जो कि इमिग्रेशन था और एक स्किल लेबर फोर्स से रिलेटेड दोनों ही अगर आप देखो इंटरलिंक्ड है आपको साथ साथ पता ही है कि आजकल स्किल लेबर की शॉर्टेज चल रही है पूरे कनाडा के अंदर तो हमारे न्यू ब्रंसविक में भी जो स्किल लेबर है उसकी कमी है अलॉन्ग विद डट अगर मैं इमीग्रेशन की बात करूं पेंडेमिक के बाद कहीं ना कहीं इमीग्रेशन बहुत स्लो रहा है जो एक्सप्लोर करते हैं लोग आउटसाइड कैनेडा से न्यू ब्रंसविक आने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ पर भी थोड़ी सी रोक लगी हुई है या वो प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है तो एज़ अ रिजल्ट जो कि न्यू मनसफिक की गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2024 तक हम 10,000 नए इमीग्रेंट्स को वेलकम करेंगे वो अचीव होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत ही कम इमीग्रेंट्स यहाँ पे आए थे और जो आए थे कुछ आए थे वो रिटेन भी नहीं हो रहे थे अलॉन्ग विद डैट कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जो थे जो पुराने आए थे कहीं ना कहीं वो माइग्रेट हो गए थे इन साइड कैनेडा भी आफ्टर दे पी आर सो कंसिडरिंग ऑल दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एस्पेक्ट्स जो अपॉर्चुनिटीज न्यू ब्रंसविक है उसने लीड लेते हुए आई के साथ कोलेबरेट किया और इस नए प्रोग्राम को ड्राफ्ट किया एंड इस पायलट प्रोग्राम की घोषणा की गई फिर सितंबर में जिसको लागू किया गया या लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2022 से मैं ये भी बता देता हूं ऑपरचुनिटीज न्यू ब्रुनस्वेक क्या है ऑपॉर्चुनिटीज न्यू ब्रुनस्वेक बेसिकली न्यू ब्रुनस्वेक के अंडर एक लीडिंग बिजनेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कॉर्पोरेशन है जो कि बिज़नेस को प्रमोट करता है न्यू बंसवी के अंदर इमीग्रेशन में हेल्प करता है और जो इमीग्रेंट्स हैं उनको रिटेन करने में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है सो so ये बात क्लियर है कि वो बेसिकली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं उनको रिटेन करना चाह रहे हैं उनको रखना चाह रहे हैं क्योंकि कई बार कई जगह यही होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं सस्ता प्रोविंस हैं यहाँ पढ़ते हैं और फिर माइग्रेट हो जाते हैं किसी दूसरे प्रोविंस से तो कहीं ना कहीं इसमें प्रोविंस का नुकसान है वो रिटेन नहीं कर पा रहे यहाँ पे एक ड्रॉबैक था जिस चीज़ को कवर uh, अप किया जाए जिस चीज़ को कहीं ना कहीं और प्रमोट किया जाए सो दैट स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गेट इनकेज टू स्टे ओवर इन दिस प्रोविंस बाकी अब हम वो चार कॉलेज कौन से हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं और कौन से शहर में न्यू ब्रंसविक में अवेलेबल है लेट्स लुक एट दैट सबसे पहले ईस्टर्न कॉलेज जो कि हमारे सेंट जॉन में ही है मेन कैंपस इनफैक्ट इनके तीन चार कैंपसेस हैं मंगटन में भी है और कपल ऑफ अदर लोकेशंस एटलांटिक बिजनेस कॉलेज जो कि फ्रेडिक्टन में बेस्ड आउट है देन मकैनजी कॉलेज जो कि मंगटन में है एंड फोर्थ वन इज़ ऑल्टन कॉलेज जो कि वो भी मंगटन में ही है सो so, अगर इन चार कॉलेज में से आप पढ़ाई करते हो सो यू विल बी एलिजिबल बट नाइनटीन स्ट्रीम्स वो भी हम देख लेते हैं कौन सी नाइनटीन स्ट्रीम्स हैं उन्हीं में ही पढ़ाई की हुई हो अलॉन्ग विद डैट ये भी एक कंडीशन है सो so, अगर हम लिस्ट की बात करें नाइनटीन स्ट्रीम्स की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो उसको मैं इंडिविजुअली डिटेल में नहीं बताऊंगा बट बत मैं ये बता देता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर को बेसिकली ये लोग टारगेट कर रहे हैं फेयर दे आर टारगेटिंग कम्युनिटी सर्विस पीपल सोशल वर्कर्स एंड हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर्स उसके साथ साथ जो डे केयर में एजुकेटर्स होती हैं एजुकेशनल uh, असिस्टेंट्स होते हैं देर आर प्रोग्राम्स फॉर दोज बाकी होम सपोर्ट वर्कर्स के लिए भी प्रोग्राम है अलॉन्ग विद नर्सिस जिसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे पैरामेडिक्स और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कई सारे ऑक्यूपेशन हैं उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं जैसे कि लेबोरेटरी टेक्नीशियंस पैथोलॉजिस्ट मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव असटेंट्स फिर आईटी रिलेटेड इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स लिस्टेड हैं जैसे कि वेब डिजाइनर्स हैं कोडर्स डेवलपर्स प्रोग्रामर्स नेटवर्किंग के लोग सो so, टेक्निकल बंदों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे तो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पे प्रोग्राम्स जो है अकाउंटेंट्स के लिए भी हैं पेरोल क्लर्क जो होते हैं बुक कीपर्स एंड देन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स है सो वेरी वाइड एंड अ वास्ट लिस्ट दिस इज इन्होंने काफी सारे सेक्टर को यहाँ पे टारगेट किया है कई सारे इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके प्रोफेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया है सो देर इज अ प्रोग्राम और आई वुड से अ स्लाइस फॉर वन सो दिस इज अ वेरी नाइस एंड अ गोल्डन चांस फॉर यू ऑल जो यहां पे आना चाहता है अब आप लोगों के मन में ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई रिक्वायरमेंट्स क्या है इन कॉलेज में अप्लाई करने के लिए तो बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है आई वुड से आपको आइल्स का एग्जाम देना है आइल्स का एकेडमिक नॉट जनरल और उसके अंदर ओवरऑल सिक्स लेके आना है एंड मेक श्योर कि किसी में भी साढ़े पांच से कम ना हो रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग किसी में भी साढ़े पाँच से कम नहीं होने चाहिए और ओवरऑल सिक्स होना चाहिए बाकी ज़्यादा आ जाए तो मज़े हैं बल्ले हैं बाकी मैं फ़ी स्ट्रक्चर की बात करूँ इन कॉलेज़ के अंदर तो हर एक प्रोग्राम का डिफरेंट डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है सो तो ये आपको इनकी वेबसाइट पर ही इंफॉर्मेशन मिलेगी बट मैं एक जेनरिक सा आइडिया दे, दे देता हूँ 9000 से लेके 12-13000 तक की रेंज है आ, कुछ आ, पूरे प्रोग्राम की फीस बता रहे हैं और कुछ ईयरली बता रहे हैं बट कहीं ना कहीं दस बारह हजार का खर्चा तो है ही है एक साल का एक प्रोग्राम का अब ये तो होगी एक डिटेल बात कि भाई न्यू बंसविक पायलट प्रोग्राम क्या है उसके आगे मैंने आपको कॉलेजेस भी बता दिए और नाइनटीन टारगेटेड ऑक्यूपेशन भी बता दी जिसमें आपको पढ़ाई करनी है यू विल बी डायरेक्टली एबल टू अप्लाई फॉर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम अब इतना ही एक प्रेस रिलीज आया था सितंबर में लास्ट और बोला ये गया था कि हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे और डिटेल्स देंगे और क्लैरिटी देंगे कि कैसे अप्लाई करना है अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो एक अप्रैल 2022 के बाद और क्या कोई ब्रिज वर्क परमिट होगा कि नहीं होगा और मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी हम आपको थोड़े टाइम में देंगे बट अभी तक हम लोगों को इतना ही पता है इसके आगे क्लैरिटी नहीं दी गई अब मेरी कुछ ओपिनियन है यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ जस्ट टू गाइड यू राइट डोंट कोट मी अगेन मैंने पहले ही एक डिस्क्लेमर दिया है और अभी भी मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ अपनी ओपिनियन देना चाह रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए सो so, पहली चीज़ uh, ये जितने चार कॉलेज हैं ये प्राइवेट कॉलेज हैं दीज आर नॉट पब्लिक कॉलेज सो देर इज ऑलवेज अ रिस्क एसोसिएटेड विद प्राइवेट कॉलेजेस कहीं ना कहीं होता है मैंने एक वीडियो भी बनाई थी पीछे अगर आप लोगों को याद हो तो अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको देखना कुछ क्यूबेक में तीन प्राइवेट कॉलेजेस थे जो कि बंद हो गए एकदम से अबर, कुछ समझ नहीं आया तो हमेशा हालांकि ये सारे कॉलेज वेल स्टैब्लिश हैं जैसे अब ईस्टर्न so, uh, uh, कॉलेज पुराना है कितना नहीं है बट अगेन प्राइवेट कॉलेज हैं सेकेंडली अगर मैं बात करूँ इन कॉलेज़ की तो यार इनकी जो फीस है कम नहीं है बारह चौदह पंद्रह हज़ार अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई अकाउंटिंग uh, का कोर्स है एक साल का कोर्स है पंद्रह हज़ार फीस है तो जो एन पब्लिक कॉलेज है इनफैक्ट न्यू पंसवीट में और भी कई सारी पब्लिक कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस साल की अराउंड अबाउट uh, मेरे ख्याल से बारह तेरह ऑन एन एवरेज होगी इससे ज़्यादा नहीं होगी सो दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट ठीक है ना कि भाई हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं कहीं ना कहीं या कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा प्राइवेट कॉलेज से पढ़ने का तीसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो चार कॉलेजेस हैं दीज कॉलेजेस आर नॉट एलिजिबल टू गिव यू वर्क परमिट आफ्टर योर एजुकेशन आफ्टर योर ग्रेजुएशन ये कॉलेजेस जो हैं एफिलेटेड नहीं है वर्क परमिट देने के लिए तो ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जब आप अपनी एजुकेशन uh, कंप्लीट कर लोगे ग्रेजुएट हो जाओगे तब ऑब्वियसली आपको काम तो ढूंढना होगा और काम भी करना होगा आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप जब ग्रेजुएट होगे, तो आप किस स्टेटस पे रहोगे क्या आप काम कर सकोगे कि नहीं कर पाओगे क्योंकि वर्क परमिट नहीं होगा क्या आप जब फाइल लगा दोगे अपनी तो क्या उस समय गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि आप काम कर सकते हो कोई ब्रिज वर्क परमिट होगा कि नहीं होगा सो दीज आर द क्वेश्चन और दीज आर द ग्रे एरिया विच कम्स टू माई माइंड एंड दट्स वॉट आई एम जस्ट लाइक यू नो प्रंट ऑफ यू एक और चीज ये एक पायलट प्रोग्राम है पायलट प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि एक ट्रायल प्रोग्राम है या टेम्प्रेरी बेस पे एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि अभी हमारी जो करंट सिचुएशन है प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हम एड्रेस कर सकें लेबर शॉर्टेज की नाउ इन फ्यूचर टाइम्स आई डोंट नो कि इस प्रोग्राम को ये लोग परमानेंट करेंगे नहीं करेंगे जैसे ए इन्होंने लॉन्च किया था तो एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम का नाम दिया था नाव दैट तो प्रोग्राम हैव बीन मेड परमानेंट तो इसमें से पायलट हटेगा कि नहीं हटेगा ये टेम्प्रेरी रहेगा कि क्या रहेगा तो इन केस आने वाले टाइम में ये एकदम से अब्रप्टली बंद कर दें इस प्रोग्राम को जो लोग पढ़ रहे हैं या अभी इसके बारे में जैसे ये लोग क्लैरिटी नहीं दे रहे या इन्फॉर्मेशन नहीं दी एक अप्रैल 2022 से चालू होना था ये प्रोग्राम या लागू है बट आगे की डिटेल्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं गई ना वेलकम एन बी डॉट सी ए पे है ना अपॉर्चुनिटीज न्यू ब्रुनस्विक कुछ इसके बारे में बता रहा है सो so, ये है कंप्लीट डिटेल अबाउट न्यू ब्रुनस्विक पायलट प्रोग्राम डेफिनेटली प्लस पॉइंट है आप सीधी डी पी आर लगा सकते हो आप जल्दी परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हो बट डेफिनेटली ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो थोड़ी सी यू you नो know, काले बादल हैं जो ग्रे एरिया हैं या जो आशंका सी बनी हुई है ये मेरे दिमाग में जहन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं यू you नो know, Uh, जवाब मांगती है और बार बार आती है तो मैं ये कहूँगा अगर आप यहाँ आना चाह रहे हो और इस पायलट uh, प्रोग्राम को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो प्लीज़ uh, कहीं ना कहीं डीप थॉट देना इस चीज़ को और सोचना और अगर आपको बेटर ऑप्शन ही मिल रहा है न्यू बन में सो एक्सप्लोर दैट आई वुड से बाकी आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो हेल्पफुल हो फ्यूचर में आपकी डिसीजन मेकिंग में मदद करे बट स्टिल आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो सो डी एम एस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल कैंडिडेट अंडर स्कोर कन नहीं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना सवाल भी पूछ सकते हो मैं तो आप लोगों से ये भी गुजारिश करूंगा प्लीज शेयर योर फीडबैक फिलहाल वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अगर अच्छी लगी हो बाकी चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब का बटन मत भूलना और बेल आइकन होता है साथ में उसको भी दबा देना सो दैट यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफिकेशन वंस वी अपलोड द वीडियो फिलहाल रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है वीडियो बनाते बनाते शूट करते करते साढ़े दस बज गए हैं मेरी घड़ी में आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा हो पिज़्ज़ा हमने अंदर लगा रखा था वो वेट कर रहा है ठंडा हो गया है उसको माइक्रोवेव करना पड़ेगा और पिज़्ज़ा खाते हैं साथ में कोका कोला पीते हैं और थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं शाम को सी यू नेक्स्ट टाइम अंटिल देन गुड बाय टेक केयर